हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थेच्चा की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम दो तरह का थेच्चा बनाएंगे, एक सिंपल मिर्ची और लहसुन का थेच्चा और दूसरा ये है भिंडी का थेच्चा। थेच्चा यानी चटनी भी कहा जाता है इसको कहीं कहीं पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए हमने सबसे पहले भिंडी को लेकर के अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है और इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ लेंगे, हरी मिर्च और लहसुन। इसमें लहसुन काफ़ी मात्रा में जाएगा और मिर्चें भी काफ़ी मात्रा में डाली जाती हैं, लेकिन हम लोग मिर्च कम खाते हैं तो इसीलिए मैंने मिर्चों की मात्रा थोड़ी कम रखी है। दूसरा, हम यहाँ पर मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे, जो कच्ची मूंगफली की गिरी होती है। हम इसको भूनेंगे और इसका छिलका उतार के इस्तेमाल करेंगे। तो अब भिंडी को हमने आगे पीछे से काट लिया है, इसी तरह से सारी भिंडियों को हमने आगे पीछे से काट कर रख लिया है और उनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बीच में से करके इस तरह से सभी भिंडियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक तवा गरम करके, लोहे का तवा, उस पर हम भिंडी और लहसुन को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे, इस तरह से दबा दबा के सभी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब ये भुन जाए तब हम इनको एक अलग से बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब ये देखिए, लगभग हमारी मिर्च और लहसुन तैयार हो गया है और इनको हम अलग करके एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से अब हम उसी गरम तवे पर इन मूंगफली की गिरियों को भून लेंगे, इसी तरह से लगातार चलाते हुए, हिलाते डुलाते हुए हम इन मूंगफली की गिरियों को भी भून लेंगे। और भुनने के बाद इनको भी एक बर्तन में, प्लेट में अलग से रख लेंगे और इनका छिलका सभी का ऐसे हाथ से मसल मसल के उतार सकते हैं, बड़े आराम से इसका छिलका उतर जाता है। अब हम एक खलबत्ता लेंगे और उसी में ये मिर्चे और लहसुन जो हमने भुना है और जो मूंगफली की गिरियां हमने भुनी है, इन सभी भुनी हुई चीज़ों को और साथ में खूब सारा धनिया डाल के इसको हम कूट लेंगे। इसको हमने दरदरा सा कूटना है, बिल्कुल बारीक हमने इसको नहीं करना है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा कूट गया है ये मसाला। और एक तरह का मिर्ची का थेचा ये हमारा लगभग तैयार हो गया है। खाली मिर्ची का थेचा हमारे रोटी परांठा किसी भी चीज़ के साथ खाने के लिए अब तैयार है। तो ये तो था हमारा एक तरह का थेचा। इसको हम रोटी परांठा नान किसी के भी साथ खा सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। भिंडी का थेचा बनाने के लिए अब हम आगे चलेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। और उसमें हम जो ये कटी हुई हमारी भिंडी है उसको अच्छे से भूनेंगे तेल के अंदर, इसको चारों तरफ से घुमा के, हिला डुला के इसको भूनेंगे। इसमें हम सूखा धनिया थोड़ा सा डालेंगे, अब थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। और अब ये डाल दिया है थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार और इसको पलट पलट करके
सारी भिंडियों को पका लेंगे। अब हम इन भिंडियों को थोड़ा सा ढक्कन लगा करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और ये हमारी भिंडी देखिए पक करके तैयार हो गई है, भिंडी की सब्जी हमारी तैयार है। अब हम इस भिंडी की सब्जी में जो मिश्रण हमने कूट के रखा था उसको मिलाएंगे, और इसके साथ ही इसमें हम एक नींबू का रस ज़रूर डालेंगे खटाई के लिए, नहीं तो भिंडी हमारी चिपचिपी सी लगती है। और आप इसमें अमचूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास नींबू नहीं है तो। तो ये हमारा भिंडी का थेचा बनकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, और जितना अच्छा इसका कलर है उससे अच्छा इसका स्वाद है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। हम इसको रोटी पराठा नान किसी के भी साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको बना के देखिए, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप केवल लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।